गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बी टेक फोर्थ सेमेस्टर हाइड्रोलिक मशीन्स सब्जेक्ट है एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ बाउंड्री लेयर थ्योरी इन द बाउंड्री लेयर थ्योरी वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड द डिफरेंट क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बाउंड्री लेयर थ्योरी एंड थिकनेस डिसप्लेसमेंट थिकनेस नाउ वी विल डिस्कस्ड इन द बाउंड्री लेयर थ्योरी मोमेंटम थिकनेस मोमेंटम थिकनेस सेकेंड पॉइंट है आपका हाइड्रोलिक मशीन के अंदर एम मोमेंटम थिकनेस मोमेंटम थिकनेस व्हाट इज द मोमेंटम थिकनेस एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंटम थिकनेस इज डिनोटेड बाय थीटा इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस थ्रू विच द टोटल लॉस ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड बी इक्वल टू इफ इट इज वर पासिंग ए स्टेशनरी प्लेट इट इज डोनेटेड बाय थीटा इट मे भी ऑल्सो डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ सॉलिड बॉडी बाय विच द बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड टू कंपेंसेट फॉर रिडक्शन इन मोमेंटम ऑफ दिस फ्लोइंग फ्लूड An account of boundary layer formation. The mass flow per second through the elementary strip rho u into dy mass flow per second mass flow per second through the एलिमेंट्री स्ट्रिप क्या होता है रो एरिया इंटू वेलोसिटी रो एरिया तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा डी वाई इंटू यूनिट विथ है मल्टीप्लाई वाई वन करेंगे मल्टीप्लाई बाई वन कर दो तो आप रो एरिया इंटू वेलोसिटी हो गई तो यहाँ पर रो डी वाई इंटू वन इंटू वेलोसिटी मास फ्लो पर सेकंड थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए है ये हुँ? ये जो मोमेंटम थिकनेस है ये एक्चुअल में क्या है कि जो टोटल लॉस ऑफ मोमेंटम है टोटल लॉस ऑफ मोमेंट का मतलब मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ लास्ट वीडियो में क्लियरली हो चुका था डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के अंदर आता है ये जो हमारे पास ये बाउंड्री लेयर है ये आपका वेलोसिटी प्रोफाइल हमने तैयार किया था ठीक है ये जो थिकनेस थी ये आपकी बाउंड्री लेयर थिकनेस कहलाई है यहाँ पर जो वेलोसिटीज जा रही है ये आपकी स्ट्रीम या फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है एट द अपर लेयर ऑफ द स्ट्रीम वुड बी नियर आउट इक्वल टू

ऑफ फ्री स्ट्रीम एंड जो वेलोसिटी ऑफ द बाउंड्री लेयर नेक्स्ट वन इज नोट करते हैं आगे इसमें मोमेंटम ऑफ फ्लूड ये तो मास हो गया मोमेंटम निकालेंगे अपन इसका यहां से तो मोमेंटम ऑफ फ्लूड एमओ एम ई एंड टी यूएम मोमेंटम ऑफ फ्लूड मोमेंटम ऑफ फ्लूड आप निकालेंगे यहां पर तो क्या बनेगा भाई मास इंटू वेलोसिटी होता है मास इंटू ये मास है इंटू वेलोसिटी कॉल्ड मोमेंटम ठीक मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम ऑफ द सेम मास ऑफ फ्लूड बिफोर एंटरिंग द बाउंड्री लेयर मोमेंटम एम ओ एम ई एन टी यू एम मोमेंटम ऑफ सैम मास ऑफ फ्लूड बिफोर एंट्रिंग बिफोर एंट्रिंग द बाउंड्री बी ओ यू डी ए आर वाई बिफोर एंडिंग द बाउंड्री अब बाउंड्री से पहले जो उसका मोमेंटम आएगा वो क्या हो जाएगा रो यू ये तो हो गया आपका रो यू स्क्वायर डी वाई और ये हो जाएगा रो यू इंटू डी वाई ठीक है रो यू इंटू डी वाई रो कैपिटल यू यू स्क्वायर आएगा ना तो इसमें यू मल्टीप्लाई बाय यू हो जाएगा ठीक है रो कैपिटल यू इंटू यू ऑफ मास फोर एंट्रिंग द फ्लूड इसमें ये चीज आई है ये बिफोर एंटरिंग द फ्लूड मतलब जैसे कि आपके पास ये स्टेशनरी प्लेट दी हुई थी और ये आपका बाउंड्री लेयर है ठीक है ये स्टेशनरी प्लेट है तो इस इस स्टेशनरी प्लेट से पहले बिफोर एंटरिंग द इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है कैपिटल यू स्ट्रीम वेलोसिटी जिसे हमने बोला है ठीक है तो उसका मोमेंटम तो मोमेंटम यही होगा मास के साथ इसका मास क्या लग रहा है इसमें देखो मास तो यही लग रहा है ना रू यू इंटू डी वाई ये हो गया मास एंड द वेलोसिटी वेलोसिटी हो गई आपके पास फ्लूड की वेलोसिटी यू हो गई यहां पर हम्म तो ये आपका इसमें मोमेंटम काउंट हो जाएगा अब हम बात करें आगे तो नेक्स्ट लिखिए लॉस ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड हमको लॉस निकालना है इसका हुँ? हमको इसका लॉस निकालना है अभी इसमें तो यह लिखेंगे हम लॉस ऑफ मोमेंटम लॉस ऑफ एमओम लॉस ऑफ मोमेंटम देखो भाई लॉस ऑफ मोमेंटम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये बिफोर एंटरिंग द बाउंड्री इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम ठीक है रो कैपिटल यू स्मॉल यू इंटू डी वाई है ना इंटू रो यू स्क्वायर डी वाई ये लॉस निकल गया माइनस करेंगे तो ओके माइनस कर दिया यहां पर ये लॉस निकल के आ गया ठीक है तो लॉस होता है आपका रो यू रो इंटू स्मॉल यू कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू इंटू डी वाई तो ये तो लॉस ऑफ मोमेंटम है टोटल लॉस की हम बात करें यहां पर टोटल लॉस कितना हो जाएगा आप इंटीग्रेट कर दोगे टोटल लॉस की हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से डेल्टा रो यू कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू इंटू डी वाई ठीक है तो ये आपका हो गया टोटल लॉस ऑफ मोमेंटम टोटल लॉस ऑफ मोमेंटम लिख देते हैं हम यहाँ पे टी वाई टोटल लॉस ऑफ मोमेंटम ठीक है अब हम बात करें इसके लिए कि यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए थीटा इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय विच द प्लेट इज डिस्प्लेस्ड वैन द फ्लूड इज फ्लोइंग विथ ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कैपिटल यू कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कैपिटल यू अब यहाँ पर जो थीटा जो डिस्प्लेसमेंट है जो थीटा आपका डिस्प्लेसमेंट आया है तो उसके रिकॉर्डिंग हम बात करेंगे थीटा इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेस्ड बाय विच द प्लेट इज डिस्प्लेस्ड व्हेन द फ्लूड इज फ्लोइंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी यू दैन द तो लॉस ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड ऑफ फ्लूड फ्लोइंग यहाँ पर लिखेंगे लॉस ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड आगे लिखो लॉस ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड ऑफ फ्लूड फ्लोइंग थ्रो डिस्टेंस थीटा लॉस ऑफ मोमेंटम लॉस ऑफ एम ओ एम ई एंड टी यू एम मोमेंटम लॉस ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड ऑफ फ्लूड फ्लोइंग ऑफ फ्लूड फ्लोइंग लॉस ऑफ मोमेंटम पर सेकंड ऑफ फ्लूड फ्लोइंग लॉस ऑफ मोमेंटम पर सेकंड फ्लूड फ्लोइंग थ्रू डिस्टेंस थीटा विथ थ्रू डिस्टेंस थीटा थ्रू डिस्टेंस थीटा विथ वेलोसिटी कैपिटल यू विथ वेलोसिटी कैपिटल यू ठीक है तो रो इंटू थीटा इंटू यू स्क्वायर क्या आएगा यहाँ निकल के रो थीटा इंटू यू स्क्वायर देखो तो भाई इसमें क्या चीज है कि लॉस ऑफ मोमेंटम पर सेकंड ऑफ फ्लूड फ्लोइंग थ्रो डिस्प्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट मान लो थीटा डिस्प्लेस हो रखा है यहाँ पे तो इसका जो मोमेंटम का लॉस है एक्चुअल में जो लॉस होता है वो डिफरेंस आ रहा है वेलोसिटी का यहाँ पर ये जो वेलोसिटी डिफेक्ट है यही एक लॉस है और इस लॉस की वजह से इस डिफरेंस की वजह से ही तो डिस्प्लेस हो रखा है या इसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से तो वेल, वेलोसिटी डिफेक्ट निकल के आ रखा है ठीक है तो ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट वी गैन वी गेट ए वेलोसिटी डिफेक्ट then the loss of momentum is equal to rho theta into u square sorry ye capital U hai na yahan par ha capital U तो equating the equations यहाँ पर ये निकल के आती है total loss of momentum ये भी loss of momentum है और यहाँ पर ये भी लॉस ऑफ मोमेंटम निकल के आएगा तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे इक्वल कर देंगे हम इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेट करेंगे है ना फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट करेंगे रो थीटा इंटू यू स्क्वायर इंटरग्रेशन ऑफ जीरो डेल्टा रो स्मॉल यू कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू इंटू डी वाई ठीक है ये वैल्यूज कुछ कट जाएगी यहाँ पर ओके ये कट जाएगा ये कट जाएगा थीटा की वैल्यू बचेगी आपके पास जीरो से लेके डेल्टा और इसमें कुछ कॉमन लेंगे हम शायद यू भी कट जाएगा तो ये बचेगा कैपिटल यू अपॉन स्मॉल यू माइनस वन इंटू डी वाई ठीक है यही बचेगा और कैपिटल यू बाहर आएगा तो इसमें डिवाइड हो जाएगा ये ठीक है वन माइनस कैपिटल यू स्मॉल यू ओपन कैपिटल यू बात एक ही है कैसे कर लो आप इसको हुँ? इसमें से हम यू बाहर ले लेंगे यू अपन यू इसको ऐसे कर सकते हो या फिर दूसरी टर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके डेल्टा स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू वन अपॉन स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इनटू डी वाई ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकल के यहाँ पर आती है ठीक है ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकल के आती है द मोमेंटम थिकनेस जो हम बात कर रहे हैं सॉरी मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट नहीं मोमेंटम थिकनेस मोमेंटम थिकनेस निकल के आती है मोमेंटम थिकनेस इज यूजफुल इन काइनेटिक्स काइनेटिक्स में इसका यूज है और ये आपका छोटा सा डेरीवेशन होता है नेक्स्ट आता है एनर्जी थिकनेस और एनर्जी थिकनेस को हम डिनोटेड करते हैं थर्ड वन इज एनर्जी थिकनेस एन ई आर एनर्जी थीनेस एंड इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा ई वैलोसिटी में जैसे डिफरेंस आता है एंड देन जैसे वेलोसिट डिफरेंस आता है इसका मतलब आपके पास डिसप्लेसमेंट यहाँ पर कहीं न कहीं निकल के आएगा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी और मैन जो मैन वेलोसिटी है फ्लूड की बाउंड्री लेयर पर इन दोनों के बीच में जो डिफ्रेंस आता है दैट इज कॉल्ड वेलोसिट डिफेक्ट्स एंड इन डिफेक्ट्स की वजह से हमारे पास जो डिसप्लेसमेंट आ रखा है प्लेट के ऊपर ठीक है वो प्लेट के ऊपर अब उस वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया अब उसी डिस्प्लेसमेंट में हम बात कर रहे हैं एनर्जी थिकनेस की जो डिस्प्लेसमेंट है ड्यू टू एनर्जी की वजह से तो जैसे ही वेलोसिटीज में डिफरेंस आ रहा है तो वैसे ही एनर्जी में एनर्जी में डिफरेंस आएगा क्यों क्योंकि, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है आपको पता हाफ एम बी स्क्वायर होती है जहाँ पर वेलोसिटी में लॉसेस हो रखे हैं तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी लॉसेस होंगे एंड दिस लॉसेज इज डिनोटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट ठीक है तो इस तरह से हम इसको एनर्जी थिकनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी बाय विच द बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूड एंड अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ठीक है बाउंड लेयर फॉर्मेशन और हम इसकी बात करें तो एनर्जी थिकनेस की यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं देखो भाई इन द एनर्जी थिकनेस द मास फ्लो पर सेकंड क्या होता है एलिमेंट्री स्ट्रिप का मास क्या होगा यहाँ पर भाई मास फ्लो मास फ्लो सेकेंड एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो मास होगा वो रो इन टू हो जाएगा यहां तक क्लियर है उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ़ द द बाउंड्री देखो बाउंड्री के अंदर की हम बात करेंगे तो बाउंड्री के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी इनसाइड द बाउंड्री बीओ यू एंड इन साइड द बाउंड्री बाउंड्री के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी हाफ एम बी स्क्वायर होगी सबको पता है ठीक है हाफ़ एम बी स्क्वायर होगी उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर मास मास कितना है ये तो इस मास की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर हाफ रो यू इंटू डी वाई इंटू यू स्क्वायर रो यू इंटू डी वाई इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा उन? तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंटरिंग द बाउंड्री ये तो आपका हो गया बाउंड्री के अंदर की कहानी है और बिफोर एंटरिंग द बाउंड्री काइनेटिक एनर्जी बिफोर बाउंड्री बिफोर बाउंड्री की बात करेंगे तो हाफ मास तो आपके पास यही रहेगा फ्लूड का भाई ध्यान रखना और वेलोसिटी आपके पास कौन सी रहेगी ये हो जाएगी ठीक है वेलोसिटी जो आपकी रहेगी वो ये रहेगी हाफ रो इंटू यू इंटू डी वाई इंटू कैपिटल यू स्क्वायर ओके ये इसका बिफोर कैनेटिक एनर्जी बिफोर द बाउंड्री अब क्या करेंगे इसमें कुछ भी नहीं डिफरेंस निकाल देंगे इन दोनों का और डिफरेंस निकाल के आपका तो टोटल लॉस आपका यहाँ पर निकल के इन दोनों का डिफरेंस निकल के आएगा तो टोटल लॉस यहाँ निकल के आएगा ठीक है एंड दिस वीडियो इज़ कंटिन्यू इन दिस लेक्चर इज़ कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग